Hello friends, good morning. I am Dr. Rampal Singh, pain physician at Parishkit Pain Management and Spine Center, Bareilly Sensitive Star. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम टाइम टू टाइम कुछ अच्छे वीडियोस लेके आते हैं, कुछ इस तरह की परेशानियों पे फोकस करते हैं जो कि कुछ पेशेंट्स को होती हैं, काफ़ी लंबे समय से होती हैं. हम उन पर फोकस करते हैं कि कुछ इस तरह की बीमारी जो कि पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहे हैं और हम उनको इस तरह के प्रोसीजर्स हैं बिना ऑपरेशन के कि हम उनको अच्छा लाभ दे सकते हैं. पिछली वीडियो में हमने बात करी थी गर्दन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उन पर बात करी थी. इसी के कंटिन्यूशन में आज हम बात करेंगे कुछ इस तरह की, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इस तरह की बीमारी है जो कि मिडिल एज ग्रुप में यूजुअली होती है और वो उसका कुछ पैथोफिजियोलॉजी इस तरह से है कि हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं, ब्लड में कुछ इस तरह की कोशिकाएं, कुछ सेल्स इस तरह से बन जाती हैं जो कि हमारे जॉइंट्स पे अटैक करने लगती हैं, जिससे कि उनमें सूजन रहती है, इन्फ्लेमेशन रहता है कंटिन्यू और वो ख़राब होने लगते हैं. ये बीमारी यूजुअली जो हमारे शरीर के छोटे जॉइंट्स हैं, जैसे कि उंगलियों के, कलाई के, कोहनी के जॉइंट्स, गर्दन के जॉइंट्स, इनको इन्वॉल्व करती है, तो जिसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस. और लेट स्टेज में ये बीमारी घुटने के जॉइंट्स और जो पैर की जॉइंट्स हैं, एड़ी के जॉइंट्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करती है. तो इस बीमारी में प्राय आपके गर्दन की परेशानियाँ, कंधों की परेशानियाँ और हाथ और कलाई में दर्द, दोनों घुटनों में दर्द, इस तरह से पेशेंट को विभिन्न प्रकार के जो छोटे जॉइंट्स हैं उनमें परेशानी रहने लगती है और समय के साथ साथ सूजन भी रहती है. इसमें प्राय क्या होता है कि पेशेंट जब मॉर्निंग में उठता है तो कहता है कि सर हमारे को मॉर्निंग में स्टिफनेस रहती है, जकड़न रहती है, लेकिन जब वो पेशेंट कुछ देर तक चल लेता है या एक्सरसाइज कर लेता है, अपने शरीर को वार्म अप कर लेता है, तो वो दिक्कत ख़त्म हो जाती है. तो इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ये पहचान है कि मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी कुछ देर तक, लगभग आधा घंटा रहेगी, और वो जैसे पेशेंट अपने शरीर को वार्म अप करेगा वो समस्या उसकी ख़त्म हो जाएगी, पूरे दिन भर ठीक रहेगा और मॉर्निंग में उसको प्रॉब्लम होगी, जॉइंट्स में सूजन, मुट्ठी बनाना उसको मुश्किल होगा और गर्मी के दिनों में इस परेशानी में थोड़ा सा राहत मिलेगी. क्यों? क्योंकि जो हीट है वो बॉडी के लिए हीलिंग का काम करती है और इस तरह की जितने भी आर्थराइटिस हैं वो जोड़ों से संबंधित समस्याएं हैं, वो ठंड के दिनों में ज़्यादा बढ़ती है. क्यों? क्योंकि ठंड का जो असर होता है, विंटर सीजन का असर जो होता है, वो हीट के जस्ट अपोजिट होता है, वो समस्या को बढ़ावा देते हैं. तो इस तरह का एक पेशेंट हमारे पास आया था जिसको कि गर्दन में पिछले 2 साल से दिक्कत थी, उसके नेक मूवमेंट्स भी रेस्ट्रिक्टेड थे, साइड टू साइड मूवमेंट उसके लेट स्टेज चूँकि हो चुकी थी, उसके कंधों में भी परेशानी उसकी वजह से आई थी. तो उसके जो जोड़ होते हैं हमारे गर्दन में, ये पहली कशेरुका जो होती है एटलस और दूसरी कशेरुका के बीच में जोड़ बनता है जिस पे कि हमारा ये साइड टू साइड मूवमेंट होता है, नो मूवमेंट, इसको बोलते हैं नो मूवमेंट. तो यूजली एक ये इन्वॉल्व होता है और दूसरे, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे वीडियो में, हम फैसेट जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा शब्द का यूज़ करते हैं, फैसेट जॉइंट, तो उनका भी जो यहाँ पर होते हैं, ये आपके जो है इन जॉइंट्स पे इन्वॉल्वमेंट होता है जिसकी वजह से पेशेंट को गर्दन में दिक्कत रहती है. तो इसी तरह का पेशेंट आया था तो उसको हमने काफ़ी जगह दिखा चुका था, ट्रीटमेंट ले चुका था. तो उसमें प्राय क्या किया जाता है कि एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स चलती हैं, जहाँ पर पेशेंट का क्लिनिकल डायग्नोसिस अच्छे से नहीं बनी है, थोड़ा डिले हो गया है, पेशेंट ने थोड़ा इस तरह से किया है कि उसने अच्छे से लगातार ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा
एग्रेसिव हो जाती हैं और पेशेंट की जो लाइफ जो जीवन यापन है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम बात शुरू में बात कर रहे थे कि कैसे कैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो ये हमने बताया कि जो ये परेशानी है स्मॉल जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। यूजली उंगली के जो जोड़ हैं ये वाले, ये जोड़ और ये वाले जोड़, हथेली के जोड़ और आपके कोहनी के, गर्दन के जोड़, कंधे के जोड़, धीरे धीरे इनका इन्वॉल्वमेंट होता है जिससे कि पेशेंट के जो रेंज ऑफ मोशन है जॉइंट पर वो रेस्ट्रिक्टेड रहने लगता है। पेशेंट को मुट्ठी बनाने में दिक्कत होगी, मॉर्निंग में स्टिफनेस जैसे मैंने बताया ये होगी। तो ऐसे पेशेंट को रेगुलर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, दवाई खानी चाहिए और अगर समस्या ज़्यादा बढ़ गई है दवाइयों से, जैसे कि कुछ क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ साथ पेशेंट को डायबिटीज़ भी है, वो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड नहीं ले सकता है। हालांकि स्टेरॉइड शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, लेकिन उनको बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो हिंदी में कहते हैं दुधारी तलवार, उसकी डबल एज शॉर्ट होती है। एक तरफ वो आपको फ़ायदा करेंगे, दूसरी तरफ वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, पहुँचाएँगे। बॉडी से जो हड्डियों का कैल्शियम है उसको पूरा निचोड़ लेते हैं और बॉडी में सूजन आने लगती है, दूसरी एंडोक्राइन की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। लेकिन अगर हम इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट के द्वारा जो उसमें टेक्निक्स हैं अगर हम उनको यूज़ करते हैं, किसी भी स्टेरॉइड को हम लोकली इन्फिल्ट्रेट करते हैं किसी जॉइंट में, तो उसके सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। इससे पेशेंट की जो शुगर है उसके स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने इस तरह का जो पेशेंट आया था हमारे पास में, उसको हमने जो एटलैंट टू एक्सियल जॉइंट है और दूसरा जो फैसेट जॉइंट्स हैं उनकी रेडियो एटलैंट टू एक्सियल जॉइंट में हमने थोड़ा थोड़ा स्टेरॉइड डाला जिससे कि उसको बहुत अच्छा आराम मिला, इमिडिएट रिलीफ मिल गया लोकल एनेस्थेटिक की वजह से और स्टेरॉइड का असर धीरे धीरे आ जाएगा। सेकेंड सिटिंग में हमने उसमें क्या किया है कि उसको हमने जो फैसेट जॉइंट्स हैं उसके C4, C5, C5, C6 जो जॉइंट्स होते हैं उसमें हमने उसके रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन जो एब्लेटिव ट्रीटमेंट है, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हमने उसको किया और उसकी जो गर्दन में प्रॉब्लम रहती थी उससे उनको बहुत अच्छा आराम मिला। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, उसका कोई भी पेन है या कुछ भी प्रॉब्लम है, उसका अर्लीस्ट ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि पेन एक ऐसा फिनोमिनन है, शुरू में तो ये आपके जो कंसर्न ऑर्गन है उसमें रहेगा, लेकिन समय के साथ साथ ये दर्द आपके सेंट्रली इस्टेब्लिश हो जाता है, दिमाग में स्थापित हो जाता है और जिसके साथ साथ बहुत सारी आपको जितने दिनों तक तो दर्द रहेगा, पेशेंट अगर उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो कितने भी आप दर्द की दवाई खाएंगे लेकिन आपको आराम नहीं मिलेगा, एक डिप्रेशन पार्ट उसके साथ में जुड़ गया है। दूसरी चीज़, अगर पेशेंट को बहुत लंबे समय तक सीवियर पेन रहता है, कंटिन्यूस पेन रहता है, तो ऐसे पेशेंट में कार्डियक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, पेशेंट का हार्ट रेट हमेशा बढ़ा रहेगा, पेशेंट को ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगेगी, जिससे कि एक दर्द तो था ही था सिंगल फिनोमिनन, लेकिन उसके साथ में एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की हो गई। तो ऐसे में कोई भी दर्द होता है, कहीं का भी दर्द होता है, तो उसको जल्दी से जल्दी उसको क्योर करने का कोशिश करें। इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट या पेन मेडिसिन एक इस तरह की मॉडर्न मेडिसिन का एक वो ब्रांच है जिसमें कि पुराने दर्द से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सक्सेसफुली ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि चाहे आपके हेडेक हो, चाहे नेक प्रॉब्लम्स हो, कैंसर पेन हो, नसों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनकी परेशानियां हो, कमर दर्द हो, रेंगने वाला दर्द यूजली जिसको रेडिकुलोपैथी या शियाटिका बोलते हैं, इस तरह के दर्द हो, आर्थराइटिक पेन हो, इस तरह से संबंधित जितने भी परेशानियां होती हैं पेन मेडिसिन में अधिकतर ऑलमोस्ट ऑल द कंडीशंस, वो जितने भी कंडीशन हैं वो बिना ऑपरेशन के ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। एक इंटरवेंशन एक इस तरह का शब्द है जो कि यूज़ किया जाता है कि जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है
टारगेट स्पेसिफिक आप उस पर हिट कीजिए जिससे कि पेशेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा मिले। तो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट आज के समय में एक बहुत अच्छा बिना सर्जरी का एक इस तरह की चिकित्सा है, मॉडर्न मेडिसिन की इस तरह का फील्ड है जिसमें कि पेशेंट को अधिकतम लाभ होता है और उसमें कोई बहुत दिनों तक पेशेंट को हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती है। मैक्सिमम जो प्रोसीजर्स होते हैं वो डेली बेस डेली डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं। पेशेंट को प्रोसीजर करने के बाद में कुछ देर तक मॉनिटर करने के बाद पेशेंट को छुट्टी दे दी जाती है, पेशेंट आराम से अपने घर जा सकता है। चाहे वो गर्दन दर्द का है, चाहे कमर दर्द का है, चाहे घुटनों से संबंधित दर्द है, इस तरह के कंडीशंस डे केयर प्रोसीजर्स के अंतर्गत हम करके पेशेंट को मैक्सिमम रिलीफ दे सकते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनके निवारण के लिए पेन मैनेजमेंट के बारे में जानें। पेन फिजिशियन एक समाज में आपके बीच में इस तरह का डॉक्टर होता है जो कि आपकी मैक्सिमम हेल्प कर सकता है। अगर आपके दर्द में कोई ट्रीटमेंट के द्वारा कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो आप एक डॉक्टर से पेन फिजिशियन से मिलिए जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो। मेरा ये वीडियो देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।